हेलो बच्चों, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेकेंड यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ड्यूरिंग स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है कि तीन तरह की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक एंड बोज आइंस्टाइन। दैट इज एमबी स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बीई एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एफडी। ये दोनों स्टैटिस्टिक्स डील करती हैं क्वांटम मैकेनिक्स से और एमबी स्टैटिस्टिक्स डील करती है क्लासिकल से, है ना। क्लासिकल के अंदर पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल लिया जाता है जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स को इनडिस्टिंग्विशेबल लिया जाता है। इस सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे आते हैं, कोऑर्डिनेट्स का क्या रोल होता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। क्या नॉर्मल जो हमारा वॉल्यूम होता है, नॉर्मल जो पोजीशन स्पेस है, क्या सिर्फ उसी का यूज़ किया जाता है या कुछ एक्स्ट्रा भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है। क्या इसके अंदर सिर्फ पोजीशन स्पेस ही होता है या फिर स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम किसी और स्पेस का यूज़ करते हैं जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। इस सब के बारे में हम लोग डील करेंगे अभी के टॉपिक में। करंटली हम यही डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग एक सिस्टम कंसिडर करके चलेंगे जिसके अंदर टोटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। एक सिस्टम है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि पोजीशन स्पेस के अंदर तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। अगर इसके अंदर कोई भी एक पार्टिकल है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। मतलब मुझे थ्री कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को, एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो सिस्टम के कंप्लीट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3n कोऑर्डिनेट्स, जिससे कि हम लोग सिस्टम की कंप्लीट पोजीशन को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये सब तो होता है किसके अंदर, जो ऐसा पोजीशन स्पेस जो इसकी हम लोग बात कर रहे हैं ये होता है स्टैटिक स्पेस, स्टैटिक इन नेचर, ठीक है। ये होता है स्टैटिक इन नेचर, स्टैटिक इन नेचर। बट इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी डील ऑलमोस्ट विद डायनामिक नेचर सिस्टम, डायनामिक नेचर से। डायनामिक नेचर के लिए अब हमें मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी, थ्री और कोऑर्डिनेट्स चाहिए हैं। मोमेंटम एक्चुअल में क्या होती है, पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज द मोमेंटम ऑफ कोऑर्डिनेट एनी पार्टिकल, एम इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो जब मुझे उसके तीन पोजिशन कोऑर्डिनेट्स पता थे तो उनके कोरस्पोंडिंग मैं तीनों की तीनों वेलोसिटीज भी निकाल सकती हूँ, वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। अब मुझे अगर पी एक्स निकालना है तो वो कैसे होगा, एम वी एक्स। इन द सेम वे पी वाई क्या होगा, एम वी वाई एंड पी जेड क्या होगा, एम वी जेड। मैंने तीनों एक्सिस, तीनों एक्स वाई जेड के कोरस्पोंडिंग मोमेंटम निकाल दी। अगर इन तीनों को मैं मिलाती हूँ, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तो ये बनाएगा मोमेंटम स्पेस के कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ये तीन, मोमेंटम स्पेस के। जैसे पहले था हमारे पास पोजीशन स्पेस के तीन कोऑर्डिनेट्स, इसी तरह से हमारे पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड आ गए मोमेंटम स्पेस के तीन कोऑर्डिनेट्स। और इसके अंदर अभी देखो, पोजीशन स्पेस के अंदर अगर वॉल्यूम निकालना है हमें सिस्टम का, तो उसके लिए बस जस्ट सिंपली एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तीनों के तीनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अगर एरिया निकालना है तो एक्स वाई, वाई जेड या फिर एक्स जेड, कोई भी दो एक्सिस के अलोंग एरिया आता है। अगर ओनली लेंथ निकालना है, आइदर एक्स, आइदर वाई और आइदर जेड, एक एक्सिस के अलोंग, है ना। और वॉल्यूम के लिए तीनों के तीनों की मल्टीप्लीकेशन। इन द सेम वे अगर मुझे मोमेंटम स्पेस के अंदर वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगी टो, टो होगा पी एक्स इंटू पी वाई इंटू पी जेड। तो ये किसके लिए वॉल्यूम हुआ, मोमेंटम स्पेस के लिए। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, ठीक है। अब
हमने मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस के बारे में तो डील कर लिया, अब ये छह के छह कोऑर्डिनेट्स हम लोग यूज करेंगे एक कंप्लीट स्पेस जिसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, फेज स्पेस। फेज स्पेस एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर सिक्स कोऑर्डिनेट्स की, फेज स्पेस एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर टोटल सिक्स कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। तीन होते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और तीन होते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तीन होते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और तीन होते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। जब इन तीनों को मिला लिया जाए एक्स वाई जेड एंड पी एक्स पी वाई पी जेड, टोटल हुए ये सिक्स कोऑर्डिनेट्स और इन छह कोऑर्डिनेट्स से मिलकर बना मेरा फेज स्पेस। अब एक्चुअल में ये फेज स्पेस आया कहाँ से, ये भी कहीं ना कहीं क्लासिकल मैकेनिक्स से ही आया है। कैसे, हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन का सबको पता है, अभी हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस करके आए थे मैकेनिक्स के पेपर में, है ना। तो हैमिल्टोनियन किस किस का फंक्शन होता है, पोजीशन का और मोमेंटम का। पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से और मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। जहाँ तक मुझे पता है कि आप सबको पोजीशन और मोमेंटम की हैमिल्टोनियन के साथ रिलेशन वाली जो इक्वेशंस होती हैं दो वो भी याद होंगी, जो कि होती हैं कर्ली एच बाय कर्ली ऑफ पी आई इज इक्वल टू क्यू आई डॉट, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, कर्ली एच बाय कर्ली ऑफ क्यू आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी आई डॉट। तो देखो जब हैमिल्टोनियन का विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटा डेरिवेटिव हुआ तो उसने दिया पोजीशन, और जब पोजीशन का डेरिवेटिव, और जब हैमिल्टोनियन का विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट पोजीशन डेरिवेटिव हुआ तो उसने दिया नेगेटिव ऑफ मोमेंटा का डेरिवेटिव। तो हैमिल्टोनियन ने जब क्यू और पी दोनों को कंबाइन कर दिया तो एज विद द रेफरेंस ऑफ हैमिल्टोनियन हम लोगों ने लिया फेज स्पेस जिसके अंदर की पोजीशन और मोमेंटम इन दोनों को कंबाइन किया गया और टोटल सिक्स ओवरऑल कोऑर्डिनेट्स बन गए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि फेज स्पेस के अंदर अगर वॉल्यूम निकालना है तो वो कैसे होगा। वॉल्यूम होगा जो फेज स्पेस के अंदर, उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा टाउ से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। तो टाउ जो होगा ये इक्वल होगा बेटा पोजीशन स्पेस के अंदर वॉल्यूम जो होगा उसके, पोजीशन स्पेस वॉल्यूम इंटू मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम इंटू मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम। तो पोजीशन स्पेस वॉल्यूम क्या था, एक्स वाई जेड, और मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम क्या था, ये एक्स है। मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम क्या था, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, ये क्या था, सिंपली इसको वी से रिप्रेजेंट किया था और इसको रिप्रेजेंट किया था टो से। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो फेस स्पेस के अंदर वॉल्यूम हुआ वो पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम दैट इज द वी एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टो इसके इक्वल होगा। ये एक रिलेशन आ गया। अब हम एक बार डिस्कस करेंगे कि साइज क्या होगा एक फेज स्पेस के अंदर शेल का, साइज ऑफ ए फेज स्पेस शेल, ठीक है। तो जब भी साइज की बात करेंगे फेज स्पेस सेल के अंदर तो सबसे पहले जो एक लार्ज फेज स्पेस होगा उसे डिवाइड किया जाएगा बहुत सारी एलिमेंट्री शेल्स के अंदर। क्या करेंगे, एक लार्ज स्पेस जो फेज स्पेस को टाउ से जिसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे इससे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्री शेल्स के अंदर हम डिवाइड कर लेंगे, और हर एक जो एलिमेंट्री शेल है उसके कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से लेंगे कि पोजिशन कोऑर्डिनेट्स के लिए, क्योंकि हम लोग एक फेज स्पेस सेल का साइज निकाल रहे हैं तो इस टाइम पर अब हम विड्थ लेंगे पर्टिकुलर एक पोर्शन के अंदर जिसके पोर्शन के अंदर हम फिर उसका साइज निकाल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक स्पेस कंसिडर करेंगे जिसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट लाई करेगा एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, मतलब जिसकी विड्थ होगी डी एक्स। वाई कोऑर्डिनेट लाई करेगा वाई टू वाई प्लस डी वाई, मतलब जिसकी विड्थ होगी डी वाई। और जेड कोऑर्डिनेट लाई करेगा जेड टू जेड प्लस डी जेड, मतलब जिसकी विड्थ होगी डी जेड। इन द सेम वे मोमेंटम स्पेस के लिए पी एक्स टू पी एक्स प्लस डी पी एक्स, पी वाई टू पी वाई प्लस डी पी वाई, एंड पी जेड के लिए पी जेड प्लस डी पी जेड।
तो अब क्या पता चला कि हम लोग एक पर्टिकुलर साइज कंसिडर करेंगे जिसकी की विड्थ होगी dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz। ये क्या आया बेटा? ये वो वॉल्यूम एलिमेंट आया जो कि फेज स्पेस के अंदर हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। इसके अंदर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट क्या है? dx, dy, dz। और स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स क्या है? d tau इज इक्वल टू dpx, dpy, dpz। तो टोटल d tau की वैल्यू क्या आई? ये जो अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी जो कि इक्वल आई, ये क्या है? d tau, जो कि इक्वल आई dv और d tau की मल्टीप्लीकेशन के। अब क्योंकि हम लोग एक बार बात करेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स में अगर हम जाते हैं तो हम लोग लेके चलते हैं कि एक तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की विड्थ की मल्टीप्लिकेशन और एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की जो विड्थ की मल्टीप्लिकेशन हुई, ये इक्वल हुई एच नोट के। किसके इक्वल हुई? एच नोट के। किसके इक्वल है बेटा ये? एच नोट के। एच नोट एक क्वांटिटी है जिसकी की डायमेंशन है लेंथ इंटू मोमेंटम। हमें पता ही है एच नोट की डायमेंशन क्या है? लेंथ, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पोजिशन कोऑर्डिनेट को, इंटू मोमेंटम जो कि मोमेंटम कोऑर्डिनेट से हमने लिया है। लेंथ इंटू मोमेंटम, ये क्या है? विड्थ है एच नोट की। और ये एच नोट एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हम लेके चल रहे हैं। तो जब हम इसको एच नोट के इक्वल लेते हैं तो इन द सेम वे डी वाई इंटू डी पी वाई भी एच नोट होगा और डी जेड इंटू डी पी जेड भी एच नोट होगा। तो डी टाउ को हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा एच नोट क्यूब के। ठीक है, एच नोट क्यूब इतना छोटा हो सकता है साइज में कि ये जीरो को भी अप्रोच कर सकता है। किसमें? क्लासिकल मैकेनिक्स में। बट अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अब आ जाएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके अंदर की एक अनसर्टेनिटी होगी जो कि एच नोट के कंसेप्ट को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता, क्या कहता है कि डी एक्स इंटू डी पी एक्स, इन दोनों के अंदर एक अनसर्टेनिटी होती है जो कि इक्वल होती है एच के। एच होगा मेरा क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होगा एच? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी की वैल्यू क्या होती है? 6.625 इंटू 10^-34 -34 जूल सेकंड। यही होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, पहले भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो ये किसको डिफाइन करता है? अनसर्टेनिटी को। ये एक्चुअल में क्या कहना चाहता है कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स एच नोट का साइज, मतलब कि एक शेल का जो साइज है वो जीरो को अप्रोच कर सकता है, बट क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि इट कैन नेवर बी जीरो, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा चाहे वो कितना ही स्मॉल साइज का हो। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि डी पी वाई और डी वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एंड डी जेड इंटू डी पी जेड ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो डी टाउ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्यूब। ठीक है, एच का साइज क्या था? 10^-34। तो टोटल एच क्यूब का, मतलब एच क्यूब की वैल्यू जो वॉल्यूम का साइज होगा डी टाउ का, डी टाउ का साइज अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आया? 10^-100 जूल सेकेंड अप्रोक्स वैल्यू। तो देखो कितना स्मॉल साइज आया, नेग्लिजिबल साइज है बट एग्जिस्ट तो किया ना। क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह ये तो नहीं कह रहा ये जीरो है, नहीं, यही तो बात है ना। क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन कर देता है कि इट कैन नेवर बी जीरो। इवन दो बेटा क्वांटम मैकेनिक्स तो तुम लोग आगे पढ़ोगे पेपर में नेक्स्ट ईयर 5th सेम में, क्वांटम मैकेनिक्स तो टनलिंग इफेक्ट, टनलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि एक बॉल का साइज बहुत छोटा है और वो एक लंबे से बॉक्स के अंदर अगर रखी हुई है तो भी वो बॉल उस बॉक्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको कवर करके बाहर भी जा सकती है। इवन तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये वॉल है, एक दीवार है जो हमारे घर में, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि वो इसको भी क्रॉस करके बाहर जा सकता है एक पार्टिकल दीवार के दूसरे साइड। क्लासिकल मैकेनिक्स इससे मना कर देता है बट क्वांटम मैकेनिक्स इन सभी से डील करता है और वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से इन सबसे डील करता है। तो सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग किससे हुई? विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम बात कर रहे थे कि हमें फेज स्पेस का साइज निकालना है।
तो अब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं एक फेज स्पेस के अंदर, टोटल नंबर ऑफ शेल्स इन फेज स्पेस, फेज स्पेस किसके इक्वल आएगा, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस बाय वॉल्यूम ऑफ वन शेल, वॉल्यूम ऑफ वन शेल, है ना। टोटल वॉल्यूम क्या है, अभी हमने ये स्मॉल स्मॉल पार्ट लिया था, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो टोटल वॉल्यूम क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड सबके यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इंटीग्रेशन लिया है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द स्मॉल एलिमेंट, सो फॉर कंप्लीट हम लोगों ने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स लिए थे, है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड जो कि एक पर्टिकुलर पोर्शन से बिलोंग करता था, एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स के बीच का एरिया, सॉरी एरिया नहीं बेटा, बीच की लेंथ, एक पर्टिकुलर एक सिंगल कोऑर्डिनेट कभी भी एरिया नहीं डिफाइन कर सकता, है ना। इसी तरह से डी वाई क्या डिफाइन करता, वाई एक्सिस के अलोंग जो विड्थ है, डी जेड क्या डिफाइन करता था, जेड एक्सिस के अलोंग जो हमने विड्थ कंसिडर की है, और फिर डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, इसीलिए हमने क्या किया, छः के अलोंग कंप्लीट वॉल्यूम निकालने के लिए फेज स्पेस का, इन सारे के सारे जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स थे इन सब का कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दिया, और साथ में नीचे आ गया डी टाउ वॉल्यूम ऑफ वन शेल, है ना, दैट इज डी टाउ वॉल्यूम ऑफ वन शेल, ठीक है। तो अब डी एक्स पोजिशन को स्पेस को एक तरफ ले चलते हैं, पोजिशन कोऑर्डिनेट्स को डी एक्स डी वाई डी जेड, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं एक तरफ, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड बाय डी टाउ। तो डी एक्स डी वाई डी जेड किसको देगा, कंप्लीट वॉल्यूम इन पोजिशन स्पेस, और डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड किसको देगा, कंप्लीट वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस, सॉरी टो, टो से रिप्रेजेंट करेंगे इसको ओनली, है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ वन शेल किसके, वॉल्यूम ऑफ नंबर, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री शेल्स, वॉल्यूम तो ये था ना बेटा सारा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री शेल्स किसके इक्वल आया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री शेल्स आया V टो बाय डी टाउ, डी टाउ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इक्वल था आया था एच नॉट क्यूब के, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इक्वल आया था एच क्यूब के, दैट इज नोन एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। दैट्स इट बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक होता है खत्म। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ है देन वी विल डिस्कस डाउट्स इन आवर क्लास। थैंक यू सो मच।